गाइस, गुड मॉर्निंग. सुबह के बज रहे हैं 7. आई मेरे माओ की भी हो गई मॉर्निंग. हेलो. तो फिलहाल मैं निकल रही हूँ चंडीगढ़ के लिए. और क्यों, किस लिए, या ये आपको पता लग जाएगा. तो चलो, वैसे भी चंडीगढ़ के चक्कर बहुत लग जाते हैं मेरे, पर फिलहाल चलो. और मैं बता देती हूँ कि मौसम शिमला का थोड़ा ठीक ठीक ही है. चलो चलो, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है. फ्लैश लाइट ऑन कर ली है. काका ये देखो, क्या अजीब है. बिल्कुल ही भालू है वो. वही क्या चाहते हो आप? छोड़, छोड़ो, आओ, छोड़. ये देखो, किसी ने इनका घर बनाया यहाँ. हे गाइस, मैं चंडीगढ़ पहुँच चुकी हूँ. बट जिस टाइम पे मुझे पहुँचना चाहिए था उससे मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई. एक्चुअली मैं तो टाइम पे हूँ, पर जिसने आना है वो लेट है. तो उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी पहुँच गई. तो अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ. फिलहाल मैंने प्लान ये किया है कि मैं उतनी देर अपने कुछ काम करवा लेती हूँ. सैलून जाऊँगी, बालों का कुछ करवाऊँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ. अभी फाइनल तो नहीं हुआ है. बाकी आज यहाँ पर भी धूप है अच्छी खासी. मुझे डाउट था फॉग ना, वैसे 12 बजे तक तो क्या ही फॉग. पर जिस तरह से मैं सुन रही हूँ आजकल धूप नहीं निकल रही है प्लेन एरियाज में, मुझे लग रहा था शायद आज भी ना हो. ये देखो पार्क, ये पार्क क्रॉस करके जाना है. मैं जा रही हूँ वॉकिंग. तो फिलहाल मेरा फाइनल हुआ है कि मैं जाऊँगी सलून, देन आफ्टर देखते हैं क्या करना है. अभी वॉकिंग जा रही हूँ. वॉकिंग नज़दीक ही था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी. गूगल मैप्स के थ्रू तो पहुँच गई. यहीं कहीं दिखा रहा था शायद सलून, देखते हैं. सैलून मिल चुका है. चलो चलो, ये क्या बना दिया. चंपू यार, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ये मुझे पता नहीं था. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम था हेयर स्पा. यस, मैं हेयर स्पा लेके आई हूँ और थोड़े बहुत और भी काम थे वो सब करवाया. और अब फ्री हुई हूँ, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है. बहुत ने आना था वो अभी भी लेट है, वो अभी तक नहीं आया है. और थक चुकी हूँ यार, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है. बाकी तो क्या, फ़िलहाल पार्क में आ गई मैं वेट करने के लिए. सब यहाँ पर धूप सेक रहे हैं. फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ. He's here. भागो भागो फटाफट. ये देखो कौन आया है. छमिया क्या होता है, ढंगे बात क्या कर. मानने के नहीं. ओ देख मेरे बाल देख यार, कुछ डिफरेंस. मेरियन यार, हंसने दे रही अगले. ये तो कट करना पड़ेगा मुझे. देख पैसे खर्च के आ गई थोड़े से. इतनी देर में क्या करती, मैंने सोची यहीं चली आती हूँ. ठीक क्या, देख यार बोल अखिलेश, कुछ तो चेंज है. अच्छे लग रहे मेरे बाल वैसे. इतना ही बता दे, बहुत बढ़िया. तारीफ कर, तारीफ कर. चलो चले फिर, अब लेट हो चुकी है. भाग लो. अब कहाँ जाना है. मेरी भी हो रही है यार, मैं ट्रैवलिंग की वजह से हो रही है. तेरे कैसे हो रही है. जेट लैग यार. अब हम कैसे पहुंचेंगे शिमला ऐसी हालत में. खाने का मन भी नहीं कर रहा कुछ. ऐसा ना बोल, मुझे बहुत भूख लगी है. मैंने तेरा वेट किया. तेरा मेरे को तो वरिंदर के घर में खिला रहे थे बहुत. अच्छा, तो पहले भैया के घर गया था गाड़ी लेने. कौन कौन था उनके घर पे. मम्मी पापा. अच्छे थे उसके मम्मी पापा. है फिर तूने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे. वो तो बनाने लग गए भटूरे, कुछ पूरी छोले बना रहे थे. अब क्या करना है. अब क्या करना है. हाँ एक चीज, पापा ने बोला था उनके लिए कैप लेके आनी है अच्छी सी. फिर अब वो एक काम है. बाकी ऐसे कितने फ्रेश जूस पीते हैं कहीं पे, उससे सही भी लगेगा दोनों को, है ना. चल यहाँ आगे जैसे देखा था मैंने. चल मैं बताती हूँ कहाँ. जैसे ये रहे जूस वाले भैया. देखा नहीं, जाके तो गए नहीं. कैसे लगा.
अब हम जा रहे हैं पापा की कैब लेने, चलो फटाफट। ओ सेक्टर 17, शॉपिंग डन, अब हम जाएंगे कुछ खाने। एक्चुअली हमने लंच बिल्कुल भी नहीं कर रखा है, दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पहले हमने सोचा था परवानू में खाएंगे मैगडी में, बट अब हमारा प्लान चेंज है, इतना हम वेट नहीं कर सकते, अब हम यहीं पे कुछ खाएंगे। चलो चले, ये हमारा संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि हम आज यहीं पे खाना खाएंगे। अखिलेश गया अभी गाड़ी पार्क करने, तब तक मैं ऑर्डर कर देती हूँ। उसे खाने हैं दम आलू एंड गार्लिक नान, मैं तो कुछ भी खा लूँगी किचन में क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। गाइस ग्लोल हो चुकी है, खाना अभी सर्व नहीं हो रहा है, तो अभी हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, संकल्प भी नहीं चाहिए सैम्स पिज़्ज़ा। तो फिर अब हम, यार इसने तो स्टार्ट भी कर दिया, ये क्या बदला है, इतनी भूख। ये रही मेरी प्लेट, सही है ना, यम यम। और ये अच्छी डिश, सूप पी लो सूप। यम, गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा टाइम। सैलेड लगभग ख़त्म हो चुका है, सूप ख़त्म हो चुका है, पिज़्ज़ा चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली बर्थडे पार्टीज़ भी होती रहती हैं। वो देखो किसी का बर्थडे होगा कल, या मे बी आज भी हो सकता है, डेकोरेशन हो रखी है। फाइनली स्वीट डिश भी आ चुकी है, ब्राउनी विद आइसक्रीम, यम यम। ये देखो ऐसे भी दिखा देती हूँ, यम ना, टेस्टी टेस्टी। फाइनली भूख मिटी है गाइस, अब देखो एनर्जी भी आ चुकी है, पहले मेरी आवाज़ भी डाउन थी और अब आवाज़ भी वापस आ चुकी है। और अच्छा ही हुआ हमें ऊपर खाना नहीं मिला इस टाइम, साउथ इंडियन था वो, हमारा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हम एकदम से हमारा प्लान चेंज हुआ और हम यहाँ नीचे आ गए। एक्चुअली संकल्प इससे ऊपर वाले फ्लोर में है, उसी के नीचे कैप्टन सैम्स है, हम कैप्टन सैम्स काफ़ी टाइम बाद आए और एक्चुअली बहुत मज़ा आ गया, ये हमारा अच्छा डिसीजन था। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टर्स में होते हैं हमारे पास सैलेड्स तरह तरह के, बहुत ही यम्मी। एंड देन उसके बाद आता है सूप, सूप के बाद ये सर्व करते हैं आपको गार्लिक ब्रेड, और उसके बाद पिज़्ज़ास, और लास्ट में हमें मिलती है आइसक्रीम विद ब्राउनी। और यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मतलब बींग अ वेजिटेरियन, यहाँ पे सब कुछ वेज है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको करना है पिज़्ज़ा बुफे, उसमें मिलेगा आपको अनलिमिटेड पिज़्ज़ा जितना भी आपको खाना है। लास्ट में मिलती है आपको फ्री में सॉन्ग, ये काम करती है आपके माउथ फ्रेशनर के लिए। पहले वैसे मिलता तो सैलड भी फ्री में था, बट आज के टाइम में आपने देखा ही होगा हर जगह ग्रीन सैलड अलग से आता है, अदरवाइज़ आपको मिलता है सिर्फ अनियन। चलो चलें अब, चलो चलें, लेट हो चुके हैं यार, अंधेरा होने लगा है, मौसम ठीक है शिमला में, पता नहीं ख़राब हो गया होगा कि नहीं। शिमला में लग रहा था कि आज स्नोफॉल हो जाएगी, यहाँ का मौसम देख के तो लग नहीं रहा कि वहाँ पे बारिश भी हो रही होगी। एक तो इस बार जो वेदर फोरकास्ट है अपना, वो कुछ खास नहीं चल रहा, जो भी बता रहा है वही गलत। बाकी देखते हैं, क्या पता कल परसों तक स्नोफॉल हो जाए शिमला में, बाकी लग तो नहीं रहा था, आज तो बिल्कुल मौसम साफ था जब मैं निकली थी, अभी जाते हुए पता लगेगा क्या चल रहा है। और आज अखिलेश की तो बैंड बज चुकी है ऑब्वियस, रात को निकला था वो वहाँ से, तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा हो चुका है उसका, तो मुझे मना किया है वैसे उसने कि मुझे आज व्लॉग में बिल्कुल ना लियो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना लूँ, अभी थोड़ा इरीटेटेड सा है, सफ़र में हो ही जाता है यार, इतनी दूर से रात को चला हुआ है, नींद भी नहीं हुई है पूरी, अब घर जाके सोएगा। अभी भी खाते हुए बोला था मुझे, यहीं पे सुला दो मैं सो जाऊंगा। आज अखिलेश और मैं लेके जा रहे हैं भैया की धन्नो को शिमला घुमाने, तो चलो चलें। भैया है सऊदी में, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब पे हैं, तो फिलहाल क्यों किस लिए ये तो पता नहीं। तो अब हम हो चुके हैं बिल्कुल पैक्ड, सब कुछ हो चुका है, खाना पीना शॉपिंग सब फिनिश, अब हम सीधा निकलेंगे शिमला के लिए। अभी हुए हैं 5:30, फटाफट निकलते हैं, हम लेट हो चुके हैं, तो अब मिलेंगे शिमला में। आई होप कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा हो यार, इस बार तो दिसंबर में भी बारिश नहीं हुई, काश एट लीस्ट स्नोफॉल तो क्या बारिश ही हो जाए। ये देखो हर जगह ट्रैफिक जाम, चंडीगढ़ के भी ये हाल हो चुके हैं अब तो यार। वैसे तो ये लाइट्स थी,
पर लाइट्स भी देख रहे हो आप कहाँ कहाँ पे हैं, वो एंड में जाकर है, उससे पहले ये इतना सारा ट्रैफिक। लाइट्स भी दो बार आएगी आई थिंक स्टॉप होने के लिए, तब जाके हम निकलेंगे। फाइनली कम से कम 7 मिनट बाद हमने ये लाइट्स क्रॉस की है, ओबे ट्रैफिक रूल्स। सही जा रहे हैं हम शिमला शिमला शिमला। ये देखो गुरखा, पास ले लो पास ले लो, चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, यप्पी। गाड़ी पार्क हो चुकी है, पहुंच गए हैं फाइनली शिमला। बैंड बज गया आज भी। बस 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 बस, ये देख तो छोटे छोटे, इनसे मिल भाई। ये इतना खुश क्यों है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही कुत्तू है। हाय, आपका नाम क्या है? कितने क्यूट है। पहुंच गए क्या? हाँ, ये वाला बैग बड़ा है, सो जाएंगे आप। सो गाइस, आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ओके? बाकी अभी मैं इतनी स्लो स्लो ही बोल सकती हूँ क्योंकि मम्मा पापा सो गए हैं। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।